हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोला है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब क्या दिया, देखो मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड बिजनेस साइकिल्स एटसेट्रा। ठीक है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता जैसे कि माइक्रो में किया जाता था। माइक्रो में एक इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाता था, इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात किया जाता था, लेकिन यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। माइक्रो में नेशनल इंडिविजुअल के आउटपुट पर बात किया जाता था, यहाँ पर नेशनल आउटपुट की बात की जाएगी। वहाँ पर फैक्टर प्राइसिंग की बात की जाती थी, यहाँ पे एग्रीगेट प्राइसिंग की बात की जाएगी। यानी यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे वो एज ए एग्रीगेट लेवल पे होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि हम नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करेंगे, हम नेशनल आउटपुट की बात करेंगे, नेशनल कंजम्पशन की बात करेंगे, नेशनल सेविंग की बात करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन की बात करेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल का जो पॉइंट है वो माइक्रो ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सेकेंड है इनकम थियरी। वहां पर प्राइस थियरी होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थियरी होता था, यहां पर हम इनकम थियरी की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट डिफर्स द एलिमेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड टू द बिजनेस साइकिल दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। यानी यहां पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, यहां पर हम इनकम थियरी की बात करते हैं। तो जहां पर इनकम थियरी वहां पर आपको बिजनेस साइकिल की बात करेंगे, यानी किसी भी बिजनेस साइकिल में एक पॉइंट आता है उसको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हम कह सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीजों के हम डिस्कशन करेंगे, यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स की बात करेंगे, यहां पर अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग इनकम्स मिलती है। जैसे लैंड अगर हमारा फैक्टर है तो उसको हमको जो इनकम मिलती है वो मेरा रेंट होगा, लेबर को हम जो देते हैं वो एग्रीगेट बेसिस पर उसको जो इनकम मिलता है वो वेजेस एंड सैलरी। लेकिन ये जो इनकम उसको मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो उसको मिल रहा है वेजेस एंड सैलरी, इसको जो मिल रहा है वो इस इनकम को लेकर क्या करने वाला है, वो आउटपुट देने वाला है। किसको आउटपुट देने वाला, वो अपनी कंजम्पशन के लिए ये चीजों को यूज करने वाला है। बिजनेस साइकिल क्या, बिजनेसमैन क्या करेगा, इन चीजों को कंज्यूम करके उनकी जरूरतों को फुलफिल करेगा और उस चीजों को कंज्यूम करने वाला है। तो यहां पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस साइकिल, जहां पर एक पिकअप पॉइंट भी आएगा, दैट इज एक क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर इसमें आपका पिकअप पॉइंट भी आएगा, रिग्रेशन का भी लेवल आता है। तो यहां पर हम इनकम थियोरी की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वहां पर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता था, यहां पर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। क्या बोल रहा है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, किसकी बारे में बात करता है, बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट। यानी जब हम लोग सब चीजों को साथ में ले गए तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी अगर हम लोग ऐसा कहें कि इनकम और प्राइस की बात करें तो प्राइस इज अ फैक्टर ऑफ इनकम। यानी हमारी अगर इनकम लेवल बढ़ेगी तो अगर हमको किसी प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा तो भी हमें फर्क पड़ता नहीं है। या ऐसा हम कह सकते हैं डिमांड एंड प्राइस, तो प्राइस एंड डिमांड में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन प्राइस एंड सप्लाई में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं सेविंग एंड इनकम, सेविंग एंड इनकम। तो सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो इनकम बढ़ चुका होगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द डिमांड सप्लाई एंड प्राइस एट इन होल इकोनॉमी। यानी जनरल इक्विलिब्रियम लेवल में पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर हम डिमांड सप्लाई एंड प्राइसेस की क्या करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस। मैक्रोइक एनालिसिस टेक्स इनटू द अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एटसेट्रा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अलग अलग फैक्टर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जितने भी एग्रीगेट फैक्टर्स है, सबको साथ में लेने की बात करते हैं। चाहे वो आपका इनकम हो, चाहे आपका आउटपुट हो, चाहे हमारा एम्प्लॉयमेंट हो या प्राइस लेवल हो, तो हर चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कंसिडरेबल लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम।
लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेवल चेंज होता है, ठीक है, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कम किया. अच्छा, आप इन्वेस्टमेंट कम क्यों करें? क्योंकि आपकी सेविंग कम है. अगर ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपका इनकम कम है तो आपकी सेविंग कम है, आपका सेविंग कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट कम है, आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा. अगर आपकी इनकम हाई तो आपका सेविंग पोर्शन भी हाई होगा, जिसका सेविंग पोर्शन हाई है उसका इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी हाई होगा, और जिसका इन्वेस्टमेंट पोर्शन हाई है उसको इंटरेस्ट भी अच्छा खासा, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा मिल सकता है. तो यानी ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, एक दूसरे के ऊपर फंक्शनल में, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसको हम लोग इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. लंपिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड होता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड है. लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रादर देन अ पार्ट. यानी हम लोग किसी एक इंडिविजुअल पार्ट के बारे में बात नहीं करते, हम लोग यहाँ पर इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ द ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज. यानी जब हम लोग जंगल की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रीज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करते. जैसा मैंने माइक्रो में भी डिस्कस किया था कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्रीज को एनालाइज करना इज अ माइक्रो पार्ट, लेकिन किसी फॉरेस्ट के बारे में एनालाइज करना इज अ मैक्रो पार्ट. This reveals the difference between micro and macroeconomics. तो ये micro and macroeconomics का सबसे बड़ा difference है. अगर मैं किसी पेड़ के बारे में analyze करूँगा, एक individual पेड़ के बारे में analyze करूँगा, तो वहाँ पर जाने की बात उस सारी चीज़ों को analyze करना ही micro level है. लेकिन जब मैं उसको forest के बारे में बात करूँगा, यानी मैं पूरे के पूरे trees के aggregation, bunch of trees के बारे में बात करूँगा, तो वो forest के बारे में बात करने के बराबर है. ग्रोथ मॉडल. मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल. दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल, महालोबीज मॉडल, ग्रोथ मॉडल एम्फेसिस बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज. यानी यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे. मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, कि अगर हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होती है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, हम लोग फ्रेमवर्क करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करने का मेन रीज़न होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना. अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास एक्सेस कैपिटल आएगा, एक्सेस इन्वेस्टमेंट आएगा, उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उसको जो जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में लगाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है. और अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा. जो चीजें हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा वो हमें टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा. एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन. यानी ये चीजें हमारी लगातार चलते रहने वाली है. यानी ये चीजें कि हमारे पास अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास अगर ग्रोथ मॉडल डेवलप हो रहा है, तो हमारा डेवलपमेंट भी डेवलप होने वाला है. General price level. Determination and changes in the general price level are studied in the macroeconomic. General price level is the average of all prices of the goods and services currently being produced in the economy. यानी यहाँ पर general price level की हम लोग बात करें, यानी इस देश के अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग produce करें, वो सारी चीज़ों का aggregate करना, सारी चीज़ों का एक average निकालने को ही हम लोग general price level कहते हैं. पॉलिसी ओरिएंटेड. अकॉर्डिंग टू केन्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरल एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एटसेट्रा. यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है कि भाई हम एनालाइज करें, हम अपनी पॉलिसी को इस तरीके से फ्रेमवर्क करें कि हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज़ को हैंडल कर सके, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, हम डिप्रेशन को कंट्रोल कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके. तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना ही पॉलिसी कहलाता है. और जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सारी चीज़ों को डीपली एनालाइज करके उसकी जो रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही माइक्रो इकोनॉमिक्स अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है. उम्मीद करता हूँ कि आपको फीचर्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाए, क्योंकि जैसे ही लेक्चर आएगा आपको और नोटिफाई मिल जाने वाला है. मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.